हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक छोटी सी वीडियो हार्वेस्टिंग की लेके आई हूँ। मेरी सब्जियाँ रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए। और जब से मेरे पापा छोड़ के गए हैं हम लोगों को, मीन्स एक्सपायर हुए, तब से ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन सब्जियाँ रेडी हो गई हैं तो उसको हार्वेस्ट करना तो बनता ही है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए कहाँ कहाँ तोरी लगी हुई है, और पूरे आधे मेरे टेरेस पे तोरी फैली हुई है। और मतलब लगभग रोज़ ही हार्वेस्टिंग मिलती है। और देखिए कहाँ कहाँ तोरी लगी हुई है, ढूंढना पड़ता है फ्रेंड्स। और मैं ट्रे जो मेरी है ना बड़ी वाली, उसी के ऊपर मैं चढ़ के तोड़ रही हूँ। अगर मैं गिर गई तो मुझे चोट भी लग जाएगी। तो देखिए ड्रम पे इस तरह से मैं तोड़ रही हूँ चढ़ के, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा पत्तियाँ हैं ना, सब छुपी हुई हैं। और ये जो तोरी मुझे हार्वेस्टिंग बराबर मिल रही है ना, तो इसको मैंने फरवरी और मार्च के मंथ में लगाया था। और गर्मियों में भी इसकी हार्वेस्टिंग मिली है, और इस समय भी मुझे मिल रही है बराबर से। खूब तोरी मिल रही है फ्रेंड्स। आप भी अगर नेक्स्ट सीजन में, मतलब आप लगाएं, अब तो विंटर्स की वेजिटेबल्स लगाने का सीजन आ रहा है, सितंबर से शुरू हो जाएगा सीड लगना। तो फ्रेंड्स, अगर गर्मियों की सब्जियां आप भी लगाना चाहते हैं तो नेक्स्ट सीजन का वेट करें, और फरवरी मार्च के महीने में आप लगा सकते हैं, और मानसून में मानसून की सब्जियां लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इधर भी तोरी, मतलब इतनी ज़्यादा लीव्स है ना, दिख नहीं रही थी, खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अभी मैं हार्वेस्ट करके आपको दिखाती हूँ, मुझे ढेर सारी तोरी मिली है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हार्वेस्टिंग फ्रेंड्स। ये देखिए कहाँ से मैं खोज खोज के ला रही हूँ, और सारे ना पौधे पे चींटियाँ और चींटे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी ढेर सारी मुझे मिली है आज तोरी। तो कैसी लगी हार्वेस्टिंग ज़रूर बताइएगा। और इस समय ज़्यादा कुछ मतलब बहुत इच्छा नहीं कर रही है गार्डनिंग करने का, मतलब मैं क्या बताऊँ। देखिए कुछ नींबू भी मुझे मिले हैं, बीच बीच में पापा की याद आ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी तोरी मिली है। मेरे पापा को हरी सब्जियां बहुत पसंद थी। तो कैसी लगी जरूर बताइएगा।